भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह महाराष्ट्र के पुणे से 110 किलोमीटर दूर पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी विख्यात है, क्योंकि इस मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग काफ़ी बड़ा और मोटा है। यह ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग माना गया है। इन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। यहाँ सावन के महीने में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगती है। मंदिर के समीप एक नदी बहती है, जिसका नाम भीमा नदी कहा जाता है। यह नदी कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। इस मंदिर का शिवलिंग काफी मोटा और बड़ा है, इसी की वजह से इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। जिस स्थान पर भीमा नाम के राक्षस का भगवान शिव ने वध किया, वह स्थान देवताओं के लिए भी पूजनीय बन गया और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हों। भगवान शिव ने सभी देवताओं की प्रार्थना मानकर उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, तभी से इस स्थान को भीमा शंकर नाम से जाना जाता है। भारत में भीमा शंकर नाम के दो प्रसिद्ध मंदिर हैं, एक महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और दूसरा असम के कामरूप जिले में स्थित है। असम को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी ने भीमा शंकर मंदिर बनवाया था। भीमा शंकर मंदिर के दर्शन करने वाले सभी भक्तों के लिए महाराज शिवाजी ने कई प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई है। मराठा पेशवाओं के राजनेता फडणवीस ने 18वीं शताब्दी में भीमा शंकर मंदिर के शिखर का पुनर्निर्माण भी करवाया था। शिव पुराण के अनुसार भीमा नाम का राक्षस अपनी माता के साथ अकेला जंगल में रहता था। जब वह बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता से पूछा कि उसके पिता कौन हैं और कहाँ हैं। तब उसकी माता कर्कटी ने बताया कि तुम्हारे पिता का नाम महाबली कुंभकर्ण है, जिसका वध श्री राम ने किया है। कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात कर्कटी ने दोबारा विराद नामक राक्षस से विवाह किया और विराद नामक राक्षस का वध भी भगवान श्री राम ने ही किया था। इसके बाद उसकी माता कर्कटी ने अपने माता पिता के साथ रहने लगी। उसके माता पिता ने अगस्त मुनि के एक शिष्य को अपना आहार बनाना चाहा, तब अगस्त मुनि ने उसे वहीं भस्म कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद वह भीमा को लेकर जंगल में रहने लगी। जब भीमा को अपने माता पिता द्वारा अपने पिता और परिवार जनों की मृत्यु का कारण का पता चला, तब वह बहुत क्रोधित हुआ और फिर वह श्री राम का वध करने का निश्चय करने लगा और ब्रह्मा जी की 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भीमा की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी खुश होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भीमा ने विजय होने का वरदान मांगा। वरदान पाते ही भीमा ने देवताओं पर भी अत्याचार करना शुरू किया और सभी को हराना शुरू किया। देवलोक के साथ साथ उसने पृथ्वी पर भी अत्याचार करना शुरू किया। कामरूप के राजा भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। राक्षस भीमा ने राजा को भी बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। कामरूपेश्वर राजा को शिवलिंग की पूजा करते देख राक्षस भीमा क्रोधित हुआ और तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उसके बाद राक्षस भीमा और भगवान शिव के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें राक्षस भीमा की मृत्यु हुई। फिर सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसी स्थान पर हमेशा के लिए शिवलिंग के रूप में विराजमान हो जाएं। भगवान शिव ने आग्रह स्वीकार करके उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। इस शिवलिंग की स्थापना देवता गण पूजा अर्चना और जलाभिषेक द्वारा किए गए थे। इस स्थान पर भीमा से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। शिव पुराण के अनुसार सूर्योदय के बाद जो भी यहाँ सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। सावन के महीने में इस स्थानों पर भक्तों की भारी संख्या में भीड़ लगती है। इस मंदिर के बगल में एक नदी है, जिसे भीमा नदी कहते हैं। भीमा ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए लगभग 1000 वर्षों तक सह्याद्री पर्वत पर तप किया था। ऐसा माना जाता है कि राक्षस भीमा और भगवान शिव की लड़ाई के बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने के एक बूंद से भीमारथी नदी का निर्माण हुआ था। यहाँ पहाड़ियों के आसपास में जंगली वनस्पतियाँ एवं प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस मंदिर के पास ही एक कमलजा मंदिर भी है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, क्योंकि कमलजा माता पार्वती का अवतार हैं। यहाँ पर गुप्त भीमा शंकर, हनुमान झील, साक्षी विनायक आदि प्रसिद्ध स्थल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट सेक्रेटरी जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।